रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 40 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन अब तक पुतिन की सेना के आगे चुनौती बना हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि सहयोगी देशों से मिल रही हथियारों की मदद ने यूक्रेन को जंग लड़ने की नई ताकत दे दी है। साथ ही नाटो देशों की तरफ से भारी हथियार भी यूक्रेन भेजे जाने लगे हैं और इसी कड़ी में चेक रिपब्लिक और एस्तोनिया ने यूक्रेन को हथियारों का एक बड़ा तोहफा दिया है। जंग में यूक्रेन के अब तक टिके रहने का राज। 42 दिन की जंग में जारी है वार पलटवार। न पुतिन माने न ज़ेलेंस्की झुके। अब रूसी हथियार से तबाही मचाएगा यूक्रेन। ये महज टैंक नहीं बल्कि साक्षात मौत का दूत है। जंगी बेड़े की डिक्शनरी में इसे T-72 नाम दिया गया है। अब टैंकों की यही कतार यूक्रेन को मदद के रूप में पहुंच रही है। खास बात ये कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 40 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद अब नेटो की तरफ से यूक्रेन को भारी हथियारों का जखीरा पहुंचाया जाने लगा है। इस मामले में चेक रिपब्लिक पहला देश बन गया है जिसने T-72 टैंकों की एक खेप यूक्रेन को बतौर मदद भेजी है। हालांकि चेक रिपब्लिक की रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद का पूरा ब्यौरा देने से इनकार किया है, लेकिन उनका ये बयान बताने के लिए काफी है कि अब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इसी तरह जारी रहेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है। वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन को पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, अब जर्मनी की तरफ से भी यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजे जाने का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब जर्मनी पर यूक्रेन की पर्याप्त मदद नहीं करने के आरोप लग रहे थे। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्तोनिया ने भी D-30 हाविट्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्तोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे। यूक्रेन के सहयोगी देशों की तरफ से जिस तरह ये मदद लगातार भेजी जा रही है उसने अब तक जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना को बनाए रखा है। और अगर इसी तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहती है तो ये जंग कितनी लंबी खिंचेगी इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है।